मुद्दा तो ये है कि मोदी जी आज भारत के चमकते हुए सितारे हैं, के दुश्मनों को, इस देश के गद्दारों को सपोर्ट करने राहुल गांधी और विपक्ष के नेता केजरीवाल जैसे लोग जाएंगे तो अब ये समझ लो कि भारत की जनता उन्हें क्यों सपोर्ट करेगी। वहाँ से हिंदुओं को जो मार के भगाया गया, भावना का खिलवाड़ साहब किसने किया? और आप पंजाब की बात कर रहे हो, सुनो, आप पंजाब की बात कर रहे हो तो पंजाब में आप आम आदमी पार्टी की सरकार लाए और खालिस्तानियों को जिंदा कर दिए हो। अगर राहुल गांधी को देश की चिंता होती तो उन्होंने ये क्यों कहा आज वो शहीदों का अपमान करें, कैम्ब्रिज में जाके क्या कहा, उग्रवादियों से एक दुर्घटना हुई जिसमें हमारे जवान मर गए, ऐसा होता रहता है भाई, वो शहीद हुए हैं, पाकिस्तानियों ने उनको मारा है, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को जाना है और तुम कैम्ब्रिज में जाके क्या बोल रहे हो, ठीक है ना। और आज वो बोल रहे हैं, यही मोदी है जिसके राज में उन्होंने वहाँ लाल चौक में जाके झंडा फहराया था। अगर विरोधियों को दबाया जाता तो क्या राहुल गांधी को अमेरिका जाने के लिए वीज़ा भी मिल पाता? आप कैम्ब्रिज में जाके यहाँ पर जाके चाइना का बहुत गुणगान करते हैं, क्या कारण है? कहिए तो नहीं आपको राजीव गांधी से फंडिंग आती थी? भारत जोड़ो यात्रा भी करता है तो उसमें भी वो कई ऐसे अब ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे संगठनों से मिलते हैं जो कट्टरवादी है। वो भारतीय है इसलिए बुलाया गया, क्या किसी और देश के नेता को बुलाया गया? नहीं, वो भारत में है इसलिए उसे बुलाया गया, और वहाँ जाके वो मोदी विरोध नहीं कर रहा, वो भारत विरोध कर रहा है। चलो और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र मोहना जी। कहाँ से हैं? पंजाब, फगवाड़ा। फगवाड़ा, फगवाड़ा से है। हाँ जी। 2024 का जो चुनाव है आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? मुद्दा तो ये है कि मोदी जी आज भारत के चमकते हुए सितारे हैं। उन्होंने भारत की प्रगति इतनी ज़बरदस्त की है कि जो हमसे बहुत शक्तिशाली चीन देश था आज वो भी मानता है कि भारत ने बहुत तरक्की की है, और जिस कांग्रेस के राज में जिस एक मामूली पाकिस्तान से भारत खौफ खाता था आज इसका बिल्कुल उल्टा है। पाकिस्तान की तो बात छोड़ो, आज मोदी जी के नेतृत्व में चीन भी खौफ खाता है। तो 2024 में निसंदेह मोदी जी आने हैं और हर तरीके से हर हालत में आएंगे, क्योंकि देश की जनता का उन्हें जन समर्थन प्राप्त है। जी, विपक्ष ये बड़ा मुद्दा उठा रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टी ये जितना भी विपक्ष में है ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग का सारथी है। क्योंकि राहुल गांधी जी की बात सुनो, जब JNU में कोई आंदोलन हुआ था तो उसी टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी जी जाते हैं, जो ऐसे लोगों के पास जो एक कन्हैया कुमार और उस जैसे सर्जिकल इमाम और हैं कई, जो कहते हैं भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, भारत तेरे टुकड़े होंगे कई हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, कितने अफजल मारोगे जब घर घर अफजल पैदा होंगे, जब ऐसे देश के दुश्मनों को, इस देश के गद्दारों को सपोर्ट करने राहुल गांधी और विपक्ष के नेता केजरीवाल जैसे लोग जाएंगे तो अब ये समझ लो कि भारत की जनता उन्हें क्यों सपोर्ट करेगी, जो इस देश को टुकड़ा कराना चाहते हैं, इस देश की आत्मा को ख़त्म करना चाहते हैं। कभी भी विपक्ष में बैठे हुए इन टुकड़े टुकड़े गैंग को भारत की जनता कभी सपोर्ट नहीं करेगी। नहीं, 24 में आपको क्या लगता है? 2024 में मोदी जी 403 वोट सीटों से जो है जीतेंगे। 400 प्लस सीटों से वापसी होगी भाजपा की आपके हिसाब से? मुद्दे ये है कि मोदी जाएगा, एक ही मुझे जाएगा, इनू इनू राज्यों को लगा है तो कोई काबिलियत नहीं है, नहीं कुछ काम है, कोई काबिलियत है नहीं, ये कोई काबिलियत नहीं है, कुछ नहीं है ये बच्चे, चाह बेचने वाला दे चला रहा, कादी काबिलियत है। मनमोहन सिंह उन्होंने टाइम से अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी, वो कहते घबराओ ना सैटअप हो जाऊगी, एक साल सैटअप कर देती है, 9 साल तो कड़वी दवाई चली आ रही है। उन पे तो ये भी आरोप लगता था कि कठपुतली वाले का कहो अर्थव्यवस्था उन्होंने सैटअप कर देती है, इल्जाम अर्थ उन्होंने लग रहा कुछ भी अर्थव्यवस्था, हर साल यह धंधा है महंगाई, पता सरकारी जड़े जॉब करते हैं, एक मजदूर की घट तो घट कि दिहाड़ी चाहिए किसी चैनल पर नहीं बोलिया, विदेश में कहता 100 दिन से काला धन लिया के दूंगा, एक लफ्ज ने बोलिया लिया, बहुत वही गल है, बड़े बड़े वादे आ देश परिवारवाद, देश का जोड़ा PM गुजरात का होम मिनिस्टर जाके गुजरात चो लै गया, बाकी स्टेटा में अनपढ़ डंगर आ, और जरा 2 बैलों की जोड़ी है, कन्ना है दूजा कुड़ी है, अमित शाह टकला कश्मीर गया उत्थे जाके उन्हें मुसलमान भरावों को डरद बुलेट प्रूफ शीशा लवाया वा कि मुसलमान भरा उत्ते परमाणु बंब ना मार देन, गोलियां बंब देन, बंब ना मार देन, जिसने उन्हें नितनेम का टाइम हो शीशा हटाता उन्हें,
भावना ना खिलवाड़ कर दी बीजेपी, कुछ नहीं है कहते पल्ले। आप कश्मीर की बोल रहे हो, भावना का खिलवाड़ कर दिया, वहाँ से हिंदुओं को जो मार के भगाया गया, भावना का खिलवाड़ साहब किसने किया? और आप पंजाब की बात कर रहे हो, सुनो, आप पंजाब की बात कर रहे हो तो पंजाब में आप आम आदमी पार्टी की सरकार लाए और खालिस्तानियों को जिंदा कर दिए हो, और आज आप जो बोल रहे हो, आप सोच समझ के तो बोलो क्या बोलिए। मोदी जाएगा ये केवल और केवल विपक्षी बोलते हैं। राज जो खत्म होना है, जाना अवश्य जाना, जी महंगाई हुई है सर, महंगाई हुई है ना। एक मिनट सुन ला, उनका कल सुन ला, सिलेंडर 50 रुपये हूँ ताजा महंगा हो गया, 250 रुपया कमर्शियल। स्मृति ईरानी मनमोहन सिंह ने टाइम से सिलेंडर गोच रख के विरोध कर दी थी, बिल्कुल बोलती थी, बिल्कुल मानते हैं। बात सुन तो मेरी 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 बात, अरे बात सुनने की हिम्मत भी रखो, आप सुनने की हिम्मत भी रखो, आप बोल रहे हो ना तो सुनने की हिम्मत रखो। सिलेंडर महंगा हुआ है ना, तो सब्सिडी खत्म हुई है। अब आज कांग्रेस ने 70 साल में आराम का खाने की आदत डाल दी, कोई आदमी सुधार रहा है ना? सब्सिडी तो जब थी तब तो वो भी नहीं आती थी, हमारी 2 साल की फसिया कोई निकलवा दो। अच्छा खाली ठीक है, महंगाई है, खालिस्तान का एक मुद्दा उठ रहा है, जो मांग बढ़ रही है उस तरह से, मतलब आम आदमी पार्टी आई थी पूरे मतलब बहुमत से आई थी, अब वो मुद्दा मतलब वो उनसे जो है कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है राज्य की, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह जी ने कहा तो है कि खालिस्तान नहीं बनने देंगे हम जी, लेकिन आम आदमी पार्टी फेल हो रही है, देखा जा रहा है किस तरह से पुलिस स्टेशन का घिराव कर लिया जाता है, एक व्यक्ति की उंगलियां काट दी जाती है, बिल्कुल बहुत गलत काम हो रहा है, लेकिन उस पर कोई एक्शन तो हो नहीं रहा जी। मैं बोल देना आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीतियाँ, MP CM बनने के बाद जो पहला इलेक्शन आया 3-4 महीने बाद, वो भगवंत सिंह मान सीट हार चुका है। गुआंढी का रूप तो आंदा नहीं, मत आ जाती है, कि मुहावरा आया हिमाचल के खाता नहीं खुला, आम आदमी पार्टी का हिमाचल खाता नहीं खुला, 92 सीटें जीतने वाली पार्टी का गुआंढी राजा। चलिए अंकल जी, आप क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मोदी जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि किसकी वापसी होगी? वापसी देखो किसी की, मोदी जाएगा, मोदी जाएंगे अवश्य आऊंगा, इधर राज जो खत्म तो होना चाहिए, आप बताइए, विकल्प सामने जनता ने कटना है आपके हिसाब से, आप भी तो जनता है। मैं जनता, मोदी जाएगा, मैनू बस ये पता है मोदी जाएगा, ठीक है, मैं सहमत हूँ आपके। ये इंसान कितना, तुम खुद देख ली, इन्हें अमेरिका का वीजा अप्लाई किया, अमेरिका ने इन्हें वीजा नहीं दिता था, लेकिन वही आज ओ इंडिया दे रहे की अध्यक्षता कर रहे हैं, ओ इंडिया वही आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, ओ आपको पता होना चाहिए, जो 3 सालों में कभी नहीं हुआ। बात समझ ला पुत्र जी, एक इंसान नु कह रहे हैं अमेरिका ने वीजा नहीं दिता था, CM रहेंदे हैं आज तो PM है देश का, जनता ने चुने, गलती कर ले, आज तो पूरा विश्व मान रहा है ना मोदी को, जाएगा 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 24 G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, पहली बार हुआ है अध्यक्षता, पहली बार हुआ है, बड़ा काम होता है, सिर्फ राजयोग लग गया, और कोई काबिलियत नहीं है। लोकतंत्र की मतलब बताया, दबाया जा रहा है विरोधियों को, दबाया जा रहा है हमारे देश में जी। अगर विरोधियों को दबाया जाता तो क्या राहुल गांधी को अमेरिका जाने के लिए वीजा भी मिल पाता? अगर लोकतंत्र को दबाया जाता तो क्या आज राहुल गांधी जेल से बाहर होता? वो जमानत पे चल रहा है, उनपे केसेस चल रहे हैं, और एक नहीं कितने चल रहे हैं, और आप बोल रहे हो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा कहाँ से था समझ नहीं आता, जोड़ने की उनको लग रहा था क्यों ना पाकिस्तान से शुरू कर देते यात्रा, और उसके बाद आप बोल रहे हो कि जो मेन वो बोला करते थे, उस आदमी का दिमाग समझिए आप, जो वो बोलते हैं पूरी भारत जोड़ो यात्रा में एक ही बात बोलते रहे क्या, नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने जा रहा हूँ, नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने जा रहा हूँ। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद जितने उन्होंने प्रेस रिलीज की, जितने इंटरव्यू किए, उसमें उन्होंने एक ही बात कही है, मैंने पूरी भारत जोड़ो यात्रा में पूरे भारत में घुमा, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखाई दी, मुझे लोगों ने प्यार दिया। तो भाई फिर कौन सा नफरत का बाजार था? पहले तो दुकान तो चलेगी नहीं ना, प्यार तो पहले से है, जहाँ पहले से मोहब्बत है जहाँ, और हाँ साहब सीधा बोल रहा हूँ, मोहब्बत वोहब्बत नहीं होती भारत में, ये भारत ही है, भारत की संस्कृति है, यहाँ प्रेम होता है, मोहब्बत हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, मैं मुँह पे बोलता हूँ, क्यों प्रेम कहाँ गया भाई? प्रेम प्रेम कहाँ गया? हम प्रेम के पुजारी हैं, प्रेम सब जगह मिलता है, और आखिर में उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि मैं जहाँ गया वहाँ मुझे प्रेम मिला, ठीक है ना? और आज वो बोल रहे हैं यही
मोदी है जिसके राज में उन्होंने वहाँ लाल चौक पे जाके झंडा फहराया था बिना किसी सिक्योरिटी के, और यही मोदी है जब कांग्रेस थी तो जब मोदी जी झंडा फहराने गए तो वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी देनी पड़ी कि क्या नहीं हो जाएगा। तो साहब ये कांग्रेस नहीं, ये मोदी का राज है, और ये मोदी का राज भी नहीं बोलता, ये भारत की असली जनता का राज है। और कैम्ब्रिज की बात करते हैं तो वो बोलते क्या पेगासस, जो वो आज बोल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ने अपने फैसले में सब कुछ क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, नहीं था। और अगर पेगासस था तो पहली चीज उन्होंने उसकी जांच के लिए अपना फोन क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? और उसके बाद चलो एक वास्तविक एक नॉर्मल इंसान की बात करते हैं, आप हो मैं हूँ कोई भी है, पेगासस का मुद्दा कितने साल पुराना है, आज लगभग 5 से 7 साल होने को आ गए, क्या 5 से 7, और आज वो वहां जाके क्या बोल रहे हैं मेरा फोन आज भी पेगासस पे है ने मुझे बताया कि और आज भी मेरी जासूसी हो रही है मेरे फोन की। भाई 5-7 साल में तूने क्या फोन नहीं बदला है तेरा? और सरकार से एक आम आदमी 6 महीने से 1 साल में फोन बदल ले रहा है और तू पहले बोले महंगाई है। भाई एक आम आदमी जो एक फोन नहीं खरीद पाता था वो 1 साल में फोन बदल लेता है, जब 2000 रुपये का फोन होता था ना वो खरीद नहीं पाता था, आज 10 से 20 हज़ार का फोन एक आम आदमी 6 से 7 साल भर में बदल लेता है, और तू 7 साल में फोन नहीं बदल पाया है क्या? जो तू बोला है मेरी जासूसी होती है, नमूना एक नंबर का, उसको सोचना चाहिए कि आज उसे कैम्ब्रिज में बुलाया गया वो भारतीय है इसलिए बुलाया गया, क्या किसी और देश के नेता को बुलाया गया? नहीं, वो भारत में है इसलिए उसे बुलाया गया, और वहाँ जाके वो मोदी विरोध नहीं कर रहा, वो भारत विरोध कर रहा है। और अभी भी अगर कांग्रेसियों को समझ नहीं आ रहा है तो तुम लोग ऐसे ही भूखे मरोगे, महंगाई तुम्हारे लिए है किसी के लिए नहीं है। और कौन सी महंगाई है यार, साला 4-व्हीलर में से उतर के माइक पे गाली देके बोलता है कि महंगाई है, भाई तू 4-व्हीलर में से उतर रहा है कौन सी महंगाई तुझे दिख रही है? एक आम आदमी जो पैदल चलता है वो आके तेरे को मुंह पे बोल रहा है कि कौन सी महंगाई है, इससे बड़ा क्या जवाब मिलेगा? आज वो कैम्ब्रिज में जाके क्या नहीं बोल रहे हैं? अगर राहुल गांधी को देश की चिंता होती तो उन्होंने ये क्यों कहा आज वो शहीदों का अपमान करे, कैम्ब्रिज में जाके क्या कहा, उग्रवादियों से एक दुर्घटना हुई जिसमें हमारे जवान मर गए, ऐसा होता रहता है भाई, वो शहीद हुए हैं, पाकिस्तानियों ने उनको मारा है, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को जाना है, और तुम कैम्ब्रिज में जाके क्या बोल रहे हो? तो क्या बोल करना क्या चाहते हो, मतलब अब ये फाइनल एक आखिरी ताबूत में कील ठोक रहे हो ना जाके कि हाँ भाई कांग्रेस देश विरोधी है, ये तुम साबित करने में लगे हो। जो भारत की जनता बोल रही है ना अब वो दुनिया बोलेगी, वो ये वो नालायक बच्चा है जो अपने बाप के ताबूत में खुद है ना कील ठोकेगा, क्योंकि कांग्रेस इन सबका बाप है। अच्छा एक बड़ा सवाल ये भी है, ये आरोप भी लगा रही है कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भाजपा पे, तो सीबीआई ईडी जो ये इंस्टीट्यूशन है जो स्वतंत्र होते हैं वो अब स्वतंत्र नहीं रहे हैं, वो भाजपा के अंडर रह के काम कर रहे हैं, जिस तरह से छापेमारी देखी जा रही है इनकी, तो इस पर क्या कहना चाहिए? अभी कर्नाटक में भाजपा विधायक के रेड पड़ी थी, बहुत पैसा जब्त हुआ था, सेंट्रल एजेंसी थी, नेता भाजपा का था, वो भी बाहर आया ना, उसकी जांच हुई है, उस पे रेड पड़ी है, तो क्या सेंटर अपने नेता पे रेड पड़वाएगा? अब तो देखो जिन्होंने ज्यादा कांड किए उनके ज्यादा होगी, जो कम कांड करे उन पे कम, लेकिन जो कर रहा है उन सब पे हो रही है, हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? नहीं बराबर तो नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, बराबर हो रही होती ना तो राहुल गांधी अभी जमानत पे ना होते, बराबर हो रही होती ना तो कहीं ना कहीं जो किसानों की ज़मीन अमेठी में हड़पी गई थी वो शायद वापस मिल जाती, बराबर हो रही होती तो सोनिया गांधी आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी भारत की नागरिकता के लिए लड़ रही होती, कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा होता कि वो भारतीय नागरिक कैसे हैं जब उन्होंने इटली की नागरिकता ले रखी है, क्या उनकी नागरिकता जिस तरीके से उनको दी गई उस पर सवाल नहीं उठता? आज भी सेंट्रल एजेंसियों ने इन पे कार्रवाई नहीं की, और इसी यही एक कारण है कि इनकी हिम्मत है आज मोदी को गाली देने की। अगर असली मुर्दे उखाड़ दिए जाए ना जो इन्होंने काले कारनामे किए हैं तो इनके ऊपर तू है। आज एक बात बताइए, लिथियम का भंडार मिल गया, मिल तो कब का गया था, क्यों उसकी सेकंड फेज पे कोई कार्रवाई नहीं की गई कांग्रेस द्वारा? क्या कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि शायद वो इसको
चाइना को देना चाहती थी, क्योंकि पाकिस्तान तो लिथियम का करेगा क्या। चलो एक सवाल मेरा ये होगा, 2024 का चुनाव अगर देखा जाए, अब नज़दीक ही है, किन मुद्दों पे आपको लगता है कि लड़ा जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस विपक्षी हो, किस मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा? देखो, भाजपा ने जो विकास किया वो उस पर लड़ रही है, और विरोधियों के पास कोई एजेंडा नहीं है तो वो मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं, तो विरोधी तो मोदी के नाम पे लड़ेंगे। वो तो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। कहाँ उठा रहे हैं? विपक्षी दल यही बोल रहे हैं कि बेरोजगारी दर जो है, महंगाई दर है, वो बढ़ गया है पहले से। कांग्रेस, मैं राजस्थान से आता हूँ, वहीं से हूँ। आपके राज्य में कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर इन्हीं स्टेट्स में, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर की बात करें तो इन स्टेट्स में आती है, तो बेरोजगार तो है तो इनकी स्टेट्स में है सर। और महंगाई की बात की जाए तो हम ये नहीं बोल रहे कि चीज़ें महंगी नहीं हो रही, दरें बढ़ रही है, लेकिन बात ये क्यों बढ़ रही है। आज हम बात कर रहे हैं, अगर पहले 10,000 कमा रहा था बंदा, तो आज वो 15,000 कमा भी तो रहा है, क्या नहीं बढ़ी है? और मेरा मानना है महंगाई से ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों को लग्जरी लाइफ जीने की आदत पड़ गई है, क्योंकि हराम का खाने की आदत पड़ गई थी। आज मैं बोलता हूँ, पहले एक नॉर्मल इंसान की क्या आदत होती थी, 200 मीटर 300 मीटर 500 मीटर कहीं जाना होता था ना, वो पैदल जाया करता था, आज उसको उसके लिए बाइक चाहिए, तो आज वो बाइक की EMI भर रहा है। अब आज उसको हर 6 महीने में फ़ोन बदलना है, ठीक है, तो वो फ़ोन फ्री में नहीं आता, उसकी EMI भर रहा है। आज घर में उसको 23 इंच का नहीं 56 इंच का LED चाहिए, जरूरत उसको 56 इंच की नहीं है, दिखाने को उसको चाहिए, उसकी EMI भर रहा है, तो सिर पे बोझ खुद डाल रहा है, फिर बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं बच रहे हैं। दिखावा ज़्यादा नहीं हो रहा, लाइफस्टाइल सही हो रहा है सर, लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, तो आप तो या लाइफस्टाइल बढ़ा लो, ठीक है, या आप ये कर लो। और दूसरी चीज, बेरोजगारी या महंगाई बोलने से नहीं होता सर, बोलने से महंगाई नहीं होती, महंगाई कहाँ है? अगर महंगाई होती तो 195 रुपये में तो 1 GB का इंटरनेट का रिचार्ज मैं करवाया करता था, आज 200 रुपये के अंदर क्या नहीं मिल रहा। सर, जिस तरह से राहुल गांधी का ये बयान आता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो देश को बदनामी का एक थप्पा लगा है उन पर, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आदत से जो मजबूर व्यक्ति होता है जी, जबकि एक बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी का नेता है जी, मैं ये तो नहीं कहता कि भाई वो बच्चा है, मशहूर व्यक्ति है वो पूरा, और राजनीतिक से पूरा बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना देश अपना होता है, विदेश विदेश होता है। राहुल गांधी अगर विदेशों में पढ़ के आए हैं तो इसका मतलब कि अपने हिंदुस्तान का गुणगान नहीं करेगा, हकीकत नहीं बताएगा, बाहर जाके उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, अपमान करेगा, अपमानित करेगा। भारत जोड़ो यात्रा भी करता है तो उसमें भी वो कई ऐसे अब ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे संगठनों से मिलते हैं जो कट्टरवादी है, जो उसमें भी हमारे उस यात्रा को कहता है कि मैंने तो जोड़ने की कोशिश करी है। भाई, आप तो तोड़ने वालों के साथ जब मिलते हैं जो देश के कट्टरवादी हुए हैं, तो आपका जोड़ने का कहाँ रहा? आप कैम्ब्रिज में जाके, यहाँ पर जाके चाइना का बहुत गुणगान करते हैं, क्या कारण है? कहीं ये तो नहीं आपको राजीव गांधी से फंडिंग आती थी, उस फंडिंग को बचाने के लिए चाइनीज उसका गुणगान करते हैं आप? कहीं ऐसा तो चक्कर नहीं है? कहीं आप उसको नहीं, आप चाइना जो जवाहरलाल नेहरू ने हिस्सा दे दिया था, या जो आपने हिस्सा दिया था अपने राज्य में, उसको बचाने के लिए आप और फंडिंग को चालू रखने के लिए चाइना का प्रशासन कर रहे हैं? जबकि चाइना पे विश्वास नहीं किया जाता, उसका एक नारा था, हिंदू चाइना बाई बाई जी, हिंदू चीनी भाई भाई जी, मैं जी जी हिंदू चाइना भाई भाई, हम लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं, बिल्कुल हम विश्वास पे, हिंदुस्तान की जो जनता है, पब्लिक है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी जाति धर्म का हो, वो विश्वास करता है, विश्वास से अपना देश चलता है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी है, उसको विश्वास नहीं है जी। आप ये बताइए, जहाँ ये सांसद होते हैं वहाँ कार्य नहीं करते तो वहाँ चले जाते हैं, जहाँ पर इनके लोग वैसे सभा के सदस्य होते हैं, छोटा स्टेट होता है, वहाँ से लोकसभा के सदस्य में जो चले आते हैं निर्वाचित, ऐसे कैसे भाई? आप कहाँ से कौन से चुनाव लड़े हैं आज तक, ये बता दें सर, लोक सेवा का छोड़कर, उसके अलावा कोई नीचे का चुनाव बता दें, फिर काय को आप ऐसा काम करते हैं जिससे देश का, हमारे भारतवर्ष का सर नीचे झुकता हो, उसका अपमान करता हो। मैं तो कहता हूँ गांधी के सोचना चाहिए, कांग्रेस को, सोनिया गांधी को भी विचार करना चाहिए कि आपने कहा था राहुल को ये राजनीति का एक जहर है, इस पर मत आओ, तो क्या हुआ उस जहर को जब उन्होंने समझाया था, कोई असर नहीं पड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज भी जो सरकार चल रही है, जिसे मोदी सरकार कहते हैं, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं,
मैं आप बताना चाहूँ, जो गरीबी से नीचे आया ऊपर व्यक्ति है, वो हर चीज़ की, हर जन भावना की, हर नीचे गरीब की, हर छोटे, हर जाति की भावना समझता है और हर जाति समाज का वो आदर करता है। तो ये देखिए, इनका आज तक कोई भी ऐसा भाषण दिखा दीजिए जो एकता के ऊपर हो। मैं ये कहना आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे देश को बदनामी करने के कारण देशों में हमारी जनता पढ़ी लिखी, हमारे युवा वर्ग के लड़के लड़कियाँ पढ़े लिखे हैं और जो और भी लोग हैं, इनके भी काफ़ी सांसद पढ़े लिखे लोग थे जो मंत्री पद में थे, IAS रैंक के लोग थे, वो क्यों छोड़ के इनको चले गए? यही कारण ये है कि इन्होंने किसी की सुने नहीं है। उन्होंने देखा एक सीनियर व्यक्ति प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, उसकी बेइज्जती कर दी, उसका आदेश फाड़ कर एक उसमें संबोधन करने में। तो ये देखिए, ये तो इनकी वो है कि परवाह नहीं करना। आरोप भी लगता था कि कठपुतली की सरकार है। देखिए इनका काम यही है, आज इन्होंने जो अध्यक्ष बना रखा है वो भी पूरा कठपुतली है उनका। खड़गे जी भी, खड़गे पूरा कठपुतली है जी। जैसे मोहन सिंह पर ये आरोप लगता था, ये खड़गे जी भी इनके पत्नी है और कुछ उनके प्रवक्ता ऐसे है, वो देवी भक्त है जी। सोनिया गांधी के भक्त है वो। अच्छा, कांग्रेस के नहीं है वो, सोनिया गांधी के भक्त है वो। कांग्रेस रह कहाँ गई है? कितने सीटों में कांग्रेस, कितने सीटों में रह गई? ऑल ऑफ इंडिया में सिर्फ 52-50 सीटें रह गई इनके पास। तो आप ये बताइए कांग्रेस रह कहाँ गई है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे जो है युवराज, इनको युवराज भी कहते हैं कांग्रेस वाले, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जब आप मोदी चुनाव लड़ते हैं तो अपने नेताओं को पाकिस्तान भेजते हैं, इसको जीतने मत दो, उग्रवादी संगठनों को जाके बोलते हैं। जब आपकी सरकार थी तो जो कश्मीर में थी, मुख्यमंत्री थे, उनको फंडिंग करते थे आप, उग्रवादियों को पालते थे वहाँ पर, उनके द्वारा पाकिस्तान को फंडिंग करते थे। तो क्या आपने अपने देश के बारे में आज तक सोचा है? अपने देश की गरीब जनता के बारे में कुछ सोचा है? कुछ नहीं सोचा इन्होंने। सर, एक आपने बड़ा आरोप लगाया कि जो है ये बदनामी करते हैं, मतलब ऐसा है तो, लेकिन अब इन्होंने एक ये वो किया कि भारत जोड़ो यात्रा से काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है कि मजबूती से वापसी करेगी कांग्रेस, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने एक शब्द कहा है कि बदनामी करते हैं, मैंने एक शब्द उसमें ये कहा था, बदनामी क्यों करते हैं? भारत की, अपने देश की बदनामी क्यों करते हैं? जहाँ पले पोसे बड़े हुए और जहाँ उनके पूरे खानदान नेताओं की हिस्ट्री में सर्वश्रेष्ठ रहे, वो क्यों बदनामी करते हैं? मैंने ये वर्ण किया था। उन्होंने तो ये भी कहा कि हम प्यार की दुकान खोल रहे हैं। देख लीजिए प्यार की दुकान कैसी है, आपसे कोई छुपा थोड़ी है, कैसी प्यार की दुकान है जी। अगर ऐसी प्यार की दुकानें होती हैं तो इसका मतलब मोदी जी तो इससे और भी ज़्यादा प्यार की दुकान खोल सकते हैं। अगर बदले की भावना ये रखते हैं मोदी सरकार से, तो क्या उसमें नहीं है बदले की भावना रखने वाले? पर मोदी जी फिर भी कहते हैं, अपने प्रवक्ताओं को कहते हैं, नेता राजनेताओं को कहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं, भाई अगर कोई आप मुझे गाली देना, आप उन्हें मत कहना, आपने गरीब जनता के बीच में जाना है, गरीब लोगों के लिए आपने मदद करनी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करना है। और जो उनके मुख्यमंत्री हैं, उनको स्पेशल उनकी स्लोगन है कि भाई आप न्याय और कानून के संविधान से चलें, जो भी अपराधी है उसको छोड़े ना, और गरीब की जितनी मदद कर सके आप करें, इससे बड़ा और कौन पुण्यकर्ता हो सकता है? वो मोदी सरकार जी है, मोदी जी है, नमो नमो मोदी जी हैं।